महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 12 विधायकों को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव से बदसलूकी करने और गाली गलौज करने पर बीजेपी के 12 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि इससे कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा के 2 दिवसीय मानसून सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। जिन बीजेपी विधायकों को एक साल के लिए निलंबित किया गया है उनमें संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटखलकर, पराग अलवणी, हरीश पिंपले, राम सातपुते, जय कुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कूचे और कीर्ति कुमार का नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव ने कहा कि जब सदन स्थगित हुआ तो बीजेपी के नेता मेरे कैबिन में आए और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल के सामने मुझे गालियां दी। कार्यवाहक स्पीकर जाधव ने संसदीय मामलों के मंत्री से इस मुद्दे की जाँच करने के लिए कहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव ने विपक्षी दलों के नेता को भी गाली दी। दरअसल 2 दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव ने बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। विधानसभा ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी आबादी का डेटा तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके, ताकि स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण बहाल किया जा सके। एनसीपी नेता और राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भाजपा के सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान भाजपा सदस्य सदन के वेल में आ गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है। शिवसेना नेता सुनील प्रभु और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि भाजपा सदस्यों ने कार्यवाहक स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार किया है और अध्यक्ष के कक्ष में उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज़ हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को ज़रूर फॉलो करें।